सभी जो सांसद विधायक हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है कि डिंपल प्रकरण जो हिंडौन में हुआ था, जिसका काफ़ी दिनों से धंधा भी चल रहा है, चारों तरफ से आवाज़ भी उठ रही है न्याय की, तो सबकी चिंताएं ये हैं। और जो जांच राज्य पुलिस ने की है उसको ये पूरी नहीं मानते, आधी अधूरी मानते हैं, तो सभी की मानसिकता ये किसी प्रकार का असंतोष नहीं फैले, लोगों में भ्रम की जो स्थिति बनी है वो ख़त्म हो, तो उसको मुख्यमंत्री जी से मिलके उनके सामने इस प्रकरण को रखेंगे और सभी कोशिश ये करेंगे कि ये मामला सीबीआई को दे दिया जाए ताकि भ्रम की स्थिति खत्म हो सके। वैसे तो मेरी दृष्टि में पुलिस ने जांच ठीक की है, फिर भी जब पूरा समाज ये चाहता है सीबीआई, तो हम मुख्यमंत्री जी को सब सांसद इरेलेवेंट टू दी पॉलिटिकल पार्टी इस बात का अनुरोध करेंगे कि इसको प्रकरण को सीबीआई को दे दिया जाए। डिंपल मीना हत्याकांड को लेकर के जिसका पिछले 4-5 महीने से शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है, उस मुद्दे को लेकर के डॉक्टर साहब से मिले समाज के हमारे मुखिया के नाते, इसमें नॉन पॉलिटिकली चाहे वो कांग्रेस बीजेपी का कोई भी विधायक हो, हम सब लोग समाज के नाते डॉक्टर साहब के पास आए हैं, सांसद भी हैं, ST SC के सब लोग हैं। इस मुद्दे को लेकर के समाज में बहुत भ्रम की स्थिति हो रही है, पुलिस ने जो जांच की है उस जांच से समाज संतुष्ट नहीं है, हम जनप्रतिनिधि भी उस जांच को लेकर के थोड़ा संदेह में हैं। हमने डॉक्टर साहब को पूरा प्रकरण समझाया, उनके पास पूरी रिपोर्ट भी है, हमने रिपोर्ट भी देखी है, लेकिन फिर भी हमारे समाज के जो पंच पटेल हैं उनके भी ये मुद्दा जो है संदेह के घेरे में आ रहा है। तो हमने अभी डॉक्टर साहब से अनुरोध किया है कि इस प्रकरण को जो पुलिस ने जांच की है उस जांच पे जो संदेह प्रकट किए जा रहे हैं वो ख़त्म हो और सही स्थिति समाज के सामने आए, जिससे समाज में जो अभी आक्रोश जो फैला हुआ है वो रुके और वास्तविकता सामने आए। डॉक्टर साहब ने अभी मुख्यमंत्री जी से समय लिया है, हमने उनसे अनुरोध किया था कि आप इस प्रकरण की CBI जांच करवा दी जाए, तो निश्चित रूप से उस जांच रिपोर्ट पे उस निर्णय पे समाज में भी इसमें एक राय व्यक्त की गई है। और मुख्यमंत्री जी ने अभी डॉक्टर साहब को समय दिया है, अभी आ जाएगा और हम सब लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे हमारे समाज की जो भावना है वो भावना को प्रकट करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इसमें निष्पक्ष रूप से जो परिणाम आए वो प्रकट होना चाहिए।